तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक प्यारी सी लव स्टोरी जवानी ड्रामा के बारे में, जिसमें एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, पर किसी वजह से इनका प्यार अधूरा रह गया है। तो इनके प्यार का अधूरा रहने का कारण क्या है, आखिर ये दोनों एक क्यों नहीं हो पाए, ये जानेंगे इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आप नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, और एक बात, बहुत दिनों बाद आया हूँ तो उस हिसाब से चैनल की रीच थोड़ी डाउन हो गई, तो उम्मीद है कि आप लोग उसी तरह प्यार देंगे जैसे कि पहले देते थे। हाँ, ये ओकवर्ड लग सकता है, पर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में हम दो स्टूडेंट को देखते हैं, जिसमें लड़के का नाम सकुरा होता है और लड़की का नाम सुमुगी होता है। सकुरा सुमुगी के लिए वेट किया होता है पहले से, क्योंकि उन दोनों को स्कूल जाना था। फिर कुछ देर बाद सुमुगी आती है, उसके बाद दोनों बातें करते हुए स्कूल के लिए निकलते हैं। और इन दोनों के बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और एक रिलेशनशिप में है। सुमुगी रास्ते में जाते हुए स्नोफॉल देख के रुक जाती है, जिसके बाद सकुरा सुमुगी को एक प्यार भरी नगाहों से देखता। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सुमुगी अब दूसरे क्लासमेट मिनाटो के साथ है, जो कि सकुरा का बेस्ट फ्रेंड था। फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। अगले सीन में हम सुमुगी को एक रिकॉर्ड शॉप में काम करते हुए देखते हैं। शिफ्ट जैसे ही खत्म होता है वो मिनाटो से मिलने के लिए चली जाती है। वो जब स्टेशन पे मिनाटो से बात कर रही होती है फोन में, तब वो सकुरा को देखती है जो कि ट्रेन से उतर के कहीं जा रहा होता है। सुमुगी उसे देखकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो आवाज देती है उसे, लेकिन सकुरा उसे इग्नोर करके अपने रास्ते चला जाता है। और ये सारी बातें मिनाटो ही सुन लेता है, क्योंकि वो कॉल पे था। जिसके बाद सुमुगी सकुरा के पीछे भागते हुए बाहर आ जाती है और सकुरा को ढूंढने लगती है, इधर उधर बहुत जगह तलाश करती है, देखती है। पर अफसोस कि तब तक सकुरा वहां से जा चुका होता है। जिसके बाद सुमुगी मिनाटो से मिलने आ जाती है। वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं। फिर मिनाटो उससे पूछता है कि क्या कोई दिक्कत हुई थी क्या, तुमने अपनी ट्रेन मिस कर दी, क्या कुछ हुआ था क्या। जिसके बाद सुमुगी बताती है कि वो आज सकुरा को देखा स्टेशन पे, पर उसे जब मैंने आवाज दी तो वो मुझे इग्नोर करते हुए चला गया। जिसके बाद मिनाटो उससे कहता है वो शायद कोई और होगा, अगर वो सकुरा होता तो तुम्हारी आवाज जरूर सुनता हो। जायज सी बात है, सबको बताए कि ये दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुमुगी अपने दोस्त से मिलने चली जाती है, पर वो अपने दोस्त के सामने बैठ के भी वो सकुरा के बारे में ही सोच रही होती है। तब उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम कहाँ खोई हुई हो। जिसके बाद सुमुगी उसे बताती है कि आज मैंने सकुरा को देखा। फिर उसकी दोस्त हैरानी से पूछती है कि क्या वही सकुरा जो कि टोक्यो पढ़ाई करने के लिए चला गया था और अचानक ही उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। फिर हम मिनाटो को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं, जो कि अपने स्कूल फ्रेंड से बैठा हुआ होता है। वो अपने दोस्तों से पूछ रहा होता है सकुरा के बारे में, पर अफसोस कि उन्हें भी सकुरा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। अगले दिन मिनाटो अपने पुराने वाले फुटबॉल टीचर से मिलने जाता है। फिर वो टीचर से भी वही बात पूछने लगता है सकुरा के बारे में, जिसके बाद वो टीचर बोलता है कि वो कहाँ है क्या है वो तो दूर की बात, मुझे तो वो भी याद नहीं है। जिसके बाद मिनाटो वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस टीचर का सकुरा के साथ बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट था, उन दोनों में बातचीत चलती रहती है, तो उसने मिनाटो से झूठ कहा। फिर हम देखते हैं कि सुमुगी अपना स्कूल डे का सामान सब देख रही होती है। फिर उन सामानों में से एक ईयरफोन निकालती है और एक पेपर जिस पर पोएम लिखी हुई होती है। फिर हमें पास दिखाया जाता है, जहाँ पे सकुरा वही पोएम पढ़ रहा होता है स्कूल के दिनों में, और सुमुगी उसे बड़े गौर से देख रही होती है। फिर हम सुमुगी को क्लासरूम में बैठे हुए देखते हैं। फिर सकुरा आता है क्लासरूम में और वो मिनाटो से बात करने लगता है। फिर मिनाटो सकुरा को सुमुगी से मिलवाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सुमुगी मिनाटो से सकुरा के बारे में पूछ रही होती है कि कहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। फिर मिनाटो उससे कहता है कि नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो हाँ तुम चाहो तो अपनी दिल की बात तुम उसे कह सकती हो। जिसके बाद सुमुगी खुश हो जाती है और सकुरा के पास दिल की बात बताने जाती है, पर अफसोस कि वो नहीं बता पाती, वो थोड़ी नर्वस हो जाती है। जिसके बाद वो टॉपिक चेंज कर देती है। फिर दोनों म्यूजिक वगैरह के बारे में बात करने लगते हैं। फिर मिनाटो उन दोनों को बात करता देख वहां से चला जाता है, क्योंकि वो भी खुद सुमुगी को चाहता था। फिर एक दिन हम देखते हैं कि सकुरा जब स्कूल से लौट रहा होता है घर के लिए, तभी वहां सुमुगी आ जाती है और उससे अपने दिल की बात कह देती है। फिर वो देखती है कि सकुरा ने तो ईयरफोन लगाए हुए हैं। अरे यार, ये लड़का बिना। सकुरा उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझसे कुछ कहा क्या। जिसके बाद सुमुगी फिर से नर्वस हो जाती है और टॉपिक फिर से चेंज कर जाती है और म्यूजिक के बारे में बात करने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद सकुरा सुमुगी से पूछता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे। फिर सुमुगी शर्माते हुए कहती है हाँ क्यों नहीं।
फिर हम देखते हैं कि वो दोनों घंटों घंटों बात करने लगते हैं, बिल्कुल मेरे मजनू दोस्तों की तरह, और क्रिसमस पे भी गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज करते थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो वही हेडफोन होती है जो कि सुमुगे ने सकुरा को याद करते हुए उस बॉक्स से निकाली थी। स्कूल खत्म होने के बाद सकुरा टोक्यो चला जाता है पढ़ाई के लिए, और सुमुगे से वो मैसेज करते हुए कहता है कि मुझे कोई और मिल गई है इसीलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे हम सकुरा को उसकी दोस्त मोमोनो के साथ देखते हैं जो कि उससे साइन लैंग्वेज में बात कर रही होती है। फिर हमें मिनाटो को दिखाया जाता है जो कि फुटबॉल देख रहा होता है, तभी उसके टीचर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें सकुरा मिल गया, जिसके बाद मिनाटो कहता है कि नहीं वो अभी तक नहीं मिला है मुझे। फिर टीचर उसे कहते हैं कि क्यों ना तुम एक बार उसके घर जाके उसके पेरेंट्स से मिलो, क्या पता तुम्हें उसके बारे में वहाँ पे खबर मिल जाए, जिसके बाद मिनाटो उससे कहता है कि मैं उनके पेरेंट्स से मिल चुका हूँ, मैं उसकी मोम से जब मिलने गया था तो उसकी मोम ने कहा था कि सकुरा एकदम ठीक है, फिर भी मैं सकुरा से मिलने उसके यूनिवर्सिटी गया था और मैं उससे मिला भी, जिसके बाद उसने बस इतना ही कहा कि अब मुझे सुमुगी की कोई ज़रूरत नहीं, तुम चाहो तो सुमुगी घर रख सकते हो। फिर उसके बाद मिनाटो सकुरा के घर आ जाता है, जहाँ पे गेट खोलने के लिए सकुरा की बहन आती है जिसका नाम मोए होता है। वो मिनाटो को बताती है कि सकुरा अभी घर पे नहीं है, जिसके बाद मिनाटो मोए से सकुरा का नंबर लेता है। फिर बातों बातों में मिनाटो को पता चल जाता है कि सकुरा अब सुन नहीं सकता। ये जानने के बाद मिनाटो वहाँ से चला जाता है, और वो जब रास्ते में जा ही रहा होता है तभी वो सकुरा की मोम से मिलता है। पर उस सकुरा के बारे में ये सब जानने के बाद वो इतना ज्यादा परेशान था कि उसको सकुरा की मोम के साथ भी मिलने का मन नहीं करता, वो उनको इग्नोर करके चला जाता है। जिसके बाद सकुरा की माँ घर पे आकर मोए से पूछती है कि क्या घर पे कोई आया था क्या, जिसके बाद मोए उनको बताती है कि हाँ एक दोस्त आया था उनका जिसका नाम मिनाटो था। फिर सकुरा की मोम कहती है उनसे कि कहीं तुमने सकुरा के बारे में उनको तो नहीं बताया। फिर मोए कहती है कि शायद उससे पहले से ही सकुरा के बारे में पता था। फिर उसकी मोम कहती है कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, यहाँ तक कि उसके स्कूल के किसी भी दोस्त को पता नहीं था, यहाँ तक कि मिनाटो को भी नहीं। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि मिनाटो बहुत ही ज्यादा परेशान और हैरान होता है सकुरा के बारे में जानने के बाद, और रास्ते में भी उसी को सोच के जा रहा होता है। तभी उसे सुमुगी कॉल आती है, पर वो इतना ज्यादा परेशान था कि वो सुमुगी को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर सुमुगी को भी ये बात पता चलती तो वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती, तो वो सुमुगी का फोन रिसीव नहीं करता और वहीं बैठ कर रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मिनाटो सकुरा को मैसेज करता है, पर सकुरा उस मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। और उस रात मिनाटो एक बार में चला जाता है, जहाँ पे वो एक जगह बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ एक आदमी आकर उस बार में काम कर रहे आदमी से साइन लैंग्वेज में बात करता है। फिर मिनाटो उनसे पूछता है कि आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। फिर वो आदमी बताता है कि मैं साइन लैंग्वेज के क्लासेस देता हूँ और ये बार में काम कर रहा आदमी मेरा स्टूडेंट है। फिर वो आदमी मिनाटो से पूछता है कि तुम इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों, कि मैं कैसे भी बात कर रहा हूँ तुम्हें क्या। फिर मिनाटो उसे सकुरा के बारे में बताता है। फिर वो आदमी उससे कहता है कि तुम चाहो तो तुम मेरे क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बाद मिनाटो कहता है कि इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ पहले के जैसे ही बात करना चाहता हूँ। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सुमुगी जब स्टेशन से बाहर आती है तो गाने सुनने के लिए एयरपोर्ट निकाल रही होती, तभी वो उसके हाथों से गिर के वो सकुरा के पैरों के पास चला जाता है, और जैसे ही सकुरा सुमुगी को देखता है वो वहां से भागने लगता है, और सुमुगी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, और तभी वो सकुरा का हाथ पकड़ लेती है और वो उससे बात करने लगती है, जिसके बाद सकुरा रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, हाई स्कूल के बाद से ही मुझे सुनाई नहीं देता है। जिसके बाद सुमुगी एकदम से कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता, और सकुरा से कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर सकुरा उससे कहता है कि अब हम साथ में म्यूजिक नहीं सुन सकते, मैं अब तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता हूँ, और अब तुम मुझे समझ नहीं पाओगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर वहां से सकुरा रोते हुए जाने लगता है, जिसे देखने के बाद सुमुगी भी वहां खड़ी होकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर कहानी शिफ्ट होती है पास्ट में, जहां हाई स्कूल के लास्ट दिन सकुरा सुमुगी को बाय बोल के जा रहा होता है, तभी उसे आवाज कम आने लगती है। तभी रात को जब सकुरा घर में होता है अपनी फैमिली के साथ, जब वो किचन में होता है तभी उसकी बहन मोए उसे आवाज लगाती है, लेकिन सकुरा उसे सुन ही नहीं पाता, जिसके बाद उसकी बड़ी बहन उससे कहती है कि तुम आखिर मोए को क्यों इग्नोर कर रहे हो। ये सुन के सकुरा थोड़ा परेशान हो जाता है। रात में सबके सो जाने के बाद सकुरा की मोम उससे यानी सकुरा से पूछती है कि क्या तुम्हें सुनने में कोई परेशानी हो रही है क्या, जिसके बाद सकुरा कहता है कि हाई स्कूल के लास्ट दिनों से ही मुझे कम सुनाई दे रहा है। फिर अगले दिन सकुरा की मोम सकुरा को डॉक्टर के पास लेके जाती है। फिर उसे डॉक्टर बताते हैं कि
सकुरा को कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे सुनाई देना कम हो जाएगा। फिर सकुरा वहाँ मौजूद बहुत लोगों को देखता है जो कि वही प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, उनको भी सुनाई नहीं देती। फिर सकुरा घबरा जाता है और हाई वॉल्यूम पे गाने सुनने लगता है। अगले दिन हम सकुरा को यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ पे वो अपना किताब निकाल रहा ही होता है, तभी उसका फोन बजता है। वो देखता है तो सुमुगी का फोन आया होता है। वो उसको इग्नोर कर देता है। फिर वो सुमुगी को मैसेज करता है और मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पे वो सुमुगी से मिलने तो जाता है पर उससे बातें उतना नहीं करता वो। जिसके बाद सुमुगी को लगने लगता है कि शायद सकुरा के साथ यूनिवर्सिटी में कोई गलत हुआ होगा, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। जिसके बाद सुमुगी उसे समझाने लगती है कि लोगों के बातों पे ज्यादा तुम ध्यान मत दिया करो। फिर वो कहती है कि तुम्हारा जब भी दिल करे तुम मुझे कॉल कर देना। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और सकुरा वहां से जाने लगता है। जाते हुए सकुरा सुमुगी को फिर से मुड़ के देखता है और फिर से रोने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे सुमुगी सकुरा को जाते हुए देख के रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि सकुरा भी कुछ आगे जाने के बाद रोने लगता है। फिर उसकी दोस्त मोमोनो आती है। फिर वो दोनों एक कैफे में चले जाते हैं। कैफे में सकुरा अपने पॉकेट में से सुमुगी की एयरपोर्ट निकालता है, जिसे देखने के बाद मोमोनो उसकी प्राइस चेक करने लगती है जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। जिसके बाद वो कहती है कि जिसका भी ये एयरपोर्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा अमीर होगा या फिर उसे म्यूजिक सुनना काफी पसंद है। तो सकुरा कहता है कि मुझे ये वापस करनी होगी उसे। फिर मोमोनो कहती है कि जिसका भी ये एयरपोर्ट होगा वो नई खरीद लेगी। तो सकुरा कहता है कि जिसका ये एयरपोर्ट है उसे म्यूजिक सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो हाँ ये मुझे वापस करनी होगी उसे। फिर हम मिनाटो को देखते हैं जो कि सुमुगी से मिलने आता है, जहाँ सुमुगी अपने आंसू रोक नहीं पाती और वो मिनाटो के सामने ही रो पड़ती है। उसी रात मिनाटो के पास सकुरा का मैसेज आता है। सकुरा मिनाटो से सुमुगी का नंबर मांगता है ताकि वो उसका एयरपोर्ट लौट आ सके। उधर सुमुगी काफी उदास बैठी हुई होती है, तभी उसे सकुरा का मैसेज आता है। सकुरा कहता है कि उससे मिलना है। जिसके बाद अगले दिन ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं। फिर सकुरा अपने पॉकेट में से एयरपोर्ट निकाल के सुमुगी को दे देता है, जिसके बाद वो जाने लगता है। तभी सुमुगी उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसे कुछ देर और बैठने के लिए कहती है। जिसके बाद सकुरा अपने फोन में से एक ऐप ओपन करके सुमुगी को देता है, जिस ऐप से वॉइस में से टेक्स्ट कन्वर्ट होती है। जिसके बाद वो ऐप में सुमुगी कुछ भी बोलने लगती है, जिसके बाद सकुरा उसे देख के हंसने लगता है। फिर वो दोनों और ज्यादा बातें नहीं करते, जिसके बाद सुमुगी वहाँ से मिनाटो से मिलने के लिए चली जाती है। जिसके बाद सुमुगी मिनाटो से बताती है कि मैं आज सकुरा से मिलने गई थी और मुझे ये पता चला कि वो आजकल सुन नहीं सकता। फिर मिनाटो उससे कहता है कि मुझे भी हाल ही फिलहाल में ये इसके बारे में पता चला है। जिसके बाद सुमुगी कहती है कि तुम्हें अगर इसके बारे में पता था तो पहले से ही, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर मिनाटो उससे कहता है कि मैंने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि मैंने अगर तुमको ये बात बता दी होती तो तुम अपने आप को संभाल नहीं पाती। फिर मिनाटो सुमुगी से कहता है कि तुम साइन लैंग्वेज इवेंट कर लो, क्योंकि अगली बार जब तुम सकुरा से मिलो तो तुम उससे साइन लैंग्वेज में बात किया करो, उससे ये अच्छा लगेगा। फिर अगले दिन हम सुमुगी को एक साइन लैंग्वेज क्लासेस में देखते हैं, वही क्लास जो कि मिनाटो से जो एक टीचर मिल चुका था बार में, जहाँ पे सुमुगी वो अपने टीचर से पूछती है कि कोई अपना अगर सुनने की क्षमता खो दे तो क्या वो बोल भी नहीं सकता क्या। जिसके बाद वो टीचर बताते हैं कि कुछ आदमी अपने हियरिंग खोने के वजह से उनको एक सदमा लग जाता है, जिसके बाद वो बोलना भी बंद कर देते हैं। फिर रात में सुमुगी सकुरा को मैसेज करती है और अगले दिन बुलाती है मिलने के लिए। अगले दिन हम सुबह देखते हैं कि सुमुगी का भाई हिकारो वो टेबल पे रखी साइन लैंग्वेज बुक को उठाता है और पूछता है कि क्या तुम साइन लैंग्वेज सीख रही हो। जिसके बाद सुमुगी उसके भाई से कहती है कि मैंने सकुरा के लिए एक क्लास ज्वाइन की है क्योंकि वो अब सुन नहीं सकता। अगले सीन में हम फिर से सकुरा और सुमुगी को एक कैफे में मिलते हुए देखते हैं। फिर सकुरा अपने फोन में वही ऐप ऑन करके सुमुगी को दे देता है, पर सुमुगी उसे फोन वापस कर देती है और वो साइन लैंग्वेज में बात करने लगती है। वो साइन लैंग्वेज में कहती है कि मेरा नाम सुमुगी है और मैं 26 साल की हूँ। जिसके बाद वो सब देख सकुरा हंसने लगता है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे तो ये सब पहले से ही पता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। सुमुगी को साइन लैंग्वेज पूरा नहीं आती थी, इसीलिए वो अपना फोन ऑन कर वही ऐप इंस्टॉल करके सकुरा से पूछती है कि तुम्हारे साथ ये सब कब हुआ। जिसके बाद सकुरा कहता है कि मुझे हाई स्कूल के बाद से ही मुझे कम सुनाई देने लगा। फिर सुमुगी सकुरा से कहती है कि तुमने मुझे मैसेज करके कहा था कि तुम्हें कोई और मिल गई है जिसे तुम पसंद करते हो। तब सकुरा सुमुगी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे बस ये कहा था कि कोई है, कि ये नहीं कि कौन है।
मैंने तुम्हें उस टाइम ये सब उस लिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें बुरा लगता और शायद तुम ये जानकर बहुत ज्यादा रोती। ये सब सुनने के बाद सुमुगे फिर से रोने लगती है। फिर वो सकुरा से कहती कि तुम्हारे छोड़ने के बाद भी मैं ऐसे ही रोई थी। फिर सुमुगी को रोता हुआ देख के सकुरा भी रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सकुरा और सुमुगी एक दूसरे को बाय बोल के जा रहे होते हैं। तभी सुमुगी को मिनाटो की कॉल आती है और सुमुगी और सकुरा को पता चलता है कि वो उनके बिल्कुल पीछे में ही होता है। और हाँ, तभी से वो मिनाटो उन दोनों को देख ही रहा होता है। जाहिर सी बात है भाई, प्यार है, क्या ही कह सकते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट में ये बताइएगा जरूर कि आपने मुझे मिस किया कि नहीं, और ये भी बताइएगा कि कितना किए। और बाकी अगले एपिसोड के लिए बने रहिए क्योंकि अगला एपिसोड जल्द ही आएगी। तो फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय जगन्नाथ।